नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडूला। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक अब भारतीय प्याज नेपाल नहीं जाएगा। भारत सरकार ने यह कदम प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर भी सैकड़ों प्याज के ट्रक रोके गए हैं और प्रतिबंध के बाद से नेपाल में प्याज की कीमतों में आसमान छूने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर 13 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बीएसपी के प्रबल दावेदार कैंट विधानसभा से अरुण द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मेजर आशीष भी कैंट से नामांकन करने के लिए परिसर पहुंचे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। महाराजगंज के नौतनवा में चंदन नदी पर पक्के पुल के निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कई दिनों से पानी में डूबकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं तो हम सभी लोग उग्र प्रदर्शन करते हुए जल समाधि ले लेंगे। शाहजहांपुर के दुष्कर्म पीड़िता को जेल भेजने से नाराज लखीमपुर खीरी के कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को फांसी देने के साथ साथ रेप पीड़िता को जेल से रिहाई करने की भी मांग की है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बलरामपुर में मशहूर पाटेश्वरी देवी पाटन एक चमत्कारी मंदिर है, जहां हिंदुओं के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु की भी लंबी कतारें लगी रहती हैं। वहीं मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी ने बताया कि त्रेता युग में गुरु गोरक्षनाथ ने मंदिर में अपनी घोर तपस्या के दौरान धूनी रमाते हुए घी का दीपक प्रज्वलित किया था, जो तभी से लेकर आज तक गर्भगृह के अंदर अखंड ज्योति के रूप में निरंतर जलता रहता है। अमेठी में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं त्योहारों के दिनों में मौसम के इस रुक में लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दरअसल मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र के सबसे बड़े रामलीला के आयोजक रामलीला समिति द्वारा लगातार कई सालों से नवरात्रि के पहले दिन से ही नगर पंचायत परिसर में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 25 से अधिक गांवों के लगभग हजारों दर्शक जुटते हैं। लेकिन भारी बारिश के चलते रामलीला का मंचन शुरू नहीं हो पाया है। आगरा के थाना एतमादपुर में पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस का कहना है कि मृतक की हत्या उसी के दो दोस्तों ने मामूली विवाद के चलते की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और उसके बाद इसने एक दिन और 15 तारीख को भी प्लान किया था, पर वो सक्सेस नहीं कर पाया। 16 तारीख को वह खाना खिलाने और दारू पिलाने के नाम पर एक्सप्रेसवे की तरफ ले गया और वहां इस घटना को खारिज किया। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज थे, जिसके चलते उसका तहसील सदर पर आना जाना लगा रहता था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रथम दृष्टया आज ये नितेश सिंह और बबलू सिंह यहाँ पर तहसील में अपनी किसी पेशी के अंदर आए थे, कोर्ट के अंदर आए थे, और उसके पश्चात जब वापस जा रहे थे तो वहाँ जैसे गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो दो लोग पीछे से आए और गोली मार दी। संत कबीर नगर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहां एक सांप के काटने के बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया और उसे लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और बड़ी मशक्कत से सांप को अस्पताल से बाहर निकाला गया।